वेलकम बैक तनु की छोटी सी दुनिया। तो अभी मैं बनाऊंगी कटा नीम की। तो मेरे साथ है सेफ कैलाश प्रसाद। सेफ मत बोलो यार, नहीं सेफ है। तो बच्चे गए हैं घूमने के लिए क्योंकि उनके चाचा, छोटे चाचा और बुआ आई हैं, तो वो लेके चले गए हैं बगान साइड में घूमने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है पुआ मालपुए के लिए सब तैयार करके रखा है। यहाँ पे घोर जो है मालपुआ का बना के रखा है। आज मुझे आप देख रहे हैं क्योंकि आज संक्रांति है तो सब बंद है, तो बोलो नहीं थोड़ा इसके साथ भी। खोज से नहीं आया है, खोज से नहीं आया है। मैंने फोन किया तो जाके जनाब आए हैं और अपना तारीफ खुद कर रहे हैं। देखिए, इस टाइम में मैं नहीं होता हूँ इसके साथ। नहीं नहीं, बात करने के लिए मुझे पहले जगह बात करना पड़ता है। शादी के पहले सब ठीक होता है, अच्छे से बात करते हैं। उसके शादी के बाद भी नया नया बात करते थे, अभी देखो पुराने में बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं देते हैं। तो शादी मत ही करो, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड ही रहो ना। तो अभी मैंने एक बाउल लिया है यहाँ पे और ये है पतंजलि का मैदा। तो अभी मैं कटा नीमकी बनाऊंगी, जो छोटा छोटा नीमकी होता है वो बनाऊंगी, बड़ा वाला नहीं। तो मैं सबसे पहले तेल चाहिए मुझे, पर मैंने तेल कहाँ रख दिया मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे दूंगी तेल थोड़ा दो, थोड़ा सा। और ये है मैदा, और इसमें जाएगा काला जीरा और नमक, और इसे जो है गुनगुना पानी से इसे अच्छे से गूनूंगी। तो थोड़ा डो जो है थोड़ा टाइट होगा क्योंकि ये कटा नीमकी बनेगा। तो मैं अब दूंगी इसमें नमक। बनाते बनाते हाल खराब है। तो यहाँ पे गया नमक। यो क्यों हो रहा है, रोटेट क्यों हो रहा है? और ये है काला जीरा जो यहाँ पे दूंगी, और इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे अब जो है गुनगुना पानी से अच्छे से यहाँ पे जो है आटे जैसे गूंथते हैं हम लोग, इसे गून लूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है मैदा को अच्छे से गून लिया है निमकी, कटा निमकी के लिए। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। तो है एवरीवन, फिर से मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो 15 से 20 मिनट इसे रखा था डो को, जो मैं कटा निमकी बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा सा एक डो ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसे, और मैदा जो है इसके ऊपर बेल लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। और मैंने ले लिया है आज एक थाली, यहाँ पे मैंने यहीं पे मैदा ले लिया। तो मैं थाली के ऊपर बेल रही हूँ क्योंकि जो बेलन है चौकी है छोटा है, तो इसलिए इसके ऊपर ही बेलूंगी। तो इसे हम लोग को बेलना है इसी में। तो ये बहुत हिल रहा है। तो मैंने एक बड़ा वाला डो लिया है यहाँ पे, इस तरह से इसे बेल लूंगी। ये थाली की वजह से मैं अच्छे से बेल नहीं पा रही हूँ, थाली जो है बहुत हिल रहा है। तो इस तरह से पूरा बेल के इसे फैला लेना है। तो मैदा जो है काफी है, तो मतलब मैं 20 से क्या 30 मिनट तक रख दी हूँ। मैं दूसरा काम करने लग गई थी और भी बहुत सारा काम था। तो यहाँ पे इसे बेल लेती हूँ अच्छे से। तो इसे बेलना हो चुका है और मैंने यहाँ पे चाकू लिया है, तो इसे हम लोग काट लेंगे। तो आज बहुत दिन बाद फिर से बना रही हूँ। मैं बनाई थी एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम से, लॉकडाउन में बहुत बनाई थी जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, कोविड जब फर्स्ट जब शुरू हुआ था तब मैं घर पे बहुत कुछ बनाती थी। तो अभी फिर से मैं बना रही हूँ इसको। एक पहले बनाते थे हम लोग, पहले एक होता है खुरमा बोल के, जिसे मैदा से ही बनता है और पर उसको काट के चीनी के सिरा में छाक कर चीनी के सिरा में डुबाया जाता है। तो आज मैं नहीं बना रही हूँ वो सब क्योंकि मीठा बहुत आइटम बन चुका है और अभी बनेगा बहुत सारा आइटम। तो यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ उसे। एक्चुअली हम लोग को ऐसे बनाने के लिए इतना प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और चाकू जो है बहुत मत बोलिए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक एक करके सब काट लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काट लिया है और फिर अब जो है इसे मैं दूसरे साइड से भी काट लूंगी।
और तेल यहाँ पे मैंने बैठा दिया है। तेल जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है क्योंकि इसे धीमा आंच में ही पकाएंगे, क्योंकि तेज आंच में अगर पकाएंगे तो ये पूरी जैसे फूल के और क्रांची नहीं होगा, तो इसलिए कम आंच में इसे पकाएंगे। जैसे समोसा को पकाते हैं या फिर कचौड़ी को पकाते हैं उसी तरह निमकी को भी कम आंच में ही पकाएंगे। तो यहाँ पे हो चुका है निमकी का काट, यहाँ पे मैंने निमकी काट लिया अच्छे से। अब जो इसे तेल में दे दूंगी, कढ़ाई में तेल जो है हल्का हल्का गर्म हो चुका है, तो मैं जो निमकी काट के रखी हूँ यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो ये धीमे धीमे पकते रहेगा, जितना आराम से पकेगा उतना क्रंची होगा ये। तो आज को जो है मैंने और भी धीमा कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने सारा दे दिए, इसे हल्का सा हिला लूंगी और जो भी ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ वो जब पक जाता है तो वो ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से बन जाएगा, तो इसे बने रहते हैं कम से कम 5 से 6 मिनट चाहिए इसको अच्छे से बनने के लिए। फिर धीमा से पकेगा ताकि और भी क्रंची हो। तो इसे मैं छोड़ दूंगी और दूसरा जो है मैं सबको बेल के काट लेती हूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो निमकी है गोल्डन हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे पक रहा है। आज जो पावर है मैंने बहुत कम रखा है गैस का पावर, जो बहुत ही कम, तो आप लोग समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे तेल का जो बुलबुले है बहुत ही कम हो रहा है और ये धीरे धीरे पक रहा है तो ये क्रंची हो रहा है। अभी से इसे चलाने में ही जो एक आवाज़ आ रहा है, तो ये पकने देती हूँ और थोड़ा देर। और इधर जो है मैं और भी मतलब काट के रख रही हूँ, और इधर जो है और भी बेलना बाकी है तो मैं कर लेती हूँ सब। और यहाँ पे निमकी जो है बनके तैयार हो चुका है और आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर अच्छा लग रहा है ये। तो पूरा क्रंचीनेस है, इसका आवाज़ सुन के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे और भी बन रहा है, और यहाँ और भी है जो काट के मैंने रखा है, तो इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा दुकान में जैसे आप लोग खाते हो सेम उसी तरह बनेगा, बस इसको धीमी आंच में पकाना है, बस कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। तो मेरे मुझे आज बहुत कुछ ही बनाना है अभी। तो यहाँ पे मैदा को जो मैंने सान के कपड़े से ढक के रखा है, तो ये बोकफूल बनेगा मतलब गुजिया और सिद्धो पीठा। तो यहाँ पे ये बनाऊंगी और इसे तोप देती हूँ। यहाँ पे नारियल है चीनी दे के जो मैंने फ्राई करके रखा है, और नीचे जो है इसको मैंने गुड़ दे के किया है, तो वो उधर मालपुआ का सब कुछ तैयारी है। तो बस आज इसे बनाना है, तो अभी भी सब कुछ बन रहा है और धीरे धीरे जो है सब बन जाएगा। और शाम का वक्त है तो सभी जो है चाचू जो है बिन्नू आया है और वर्षा आए हैं, तो लोग उधर रूम में हैं, तो बाद में मिलाऊंगी आप सभी से। और इधर जो है फटाफट बना के फिर रात का खाना बनाना है। आज रात को ज़्यादा सोना नहीं होगा क्योंकि आज जागरण है, सभी जागेंगे और मस्ती होगा क्योंकि बिन्नू और वर्षा भी आ गए हैं, तो बहुत अच्छे हैं, बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं। तो अभी का जो ये रेसिपी है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।